देखिए, जब भी आप टैली को स्टार्ट करेंगे तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी। अब प्रॉब्लम क्या है देखिए, जैसे कि हमारे के स्टूडेंट ने कहा सर ये डार्क में लिखा हुआ है, देखिए ना यहाँ पर क्रिएट लिखा हुआ है ना, तो क्रिएट में सी डार्क में है, अल्टर में ए डार्क में है, ठीक है। इसी तरह से वाउचर में वी डार्क में है, ठीक है। यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट जो लिखा हुआ है इसमें एच डार्क में है, फिर यहाँ के डार्क में है। इस डार्क में का क्या मतलब है, ठीक है। इसके बाद से अगर आप वाउचर में भी जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पट्टी मिल जाती है, यहाँ से तो आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब आप रहते हैं गेटवे ऑफ टैली पर तो आपको ये बात समझ में नहीं आती अगर आप बिगिनर हैं तो, कि यहाँ पे सी डार्क में क्यों लिखा हुआ है। तो आपको कीबोर्ड से केवल सी प्रेस करना है। जैसे ही आप सी प्रेस करेंगे तो देखिए सी प्रेस करने से ये लिस्ट ऑफ मास्टर्स ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप कंपनी को चेंज कर सकते हैं, ग्रुप, लेजर्स, करेंसी, वाउचर टाइप, इन सबको देख सकते हैं, ठीक है। अब सी तो हो गया, फिर यहाँ ए प्रेस करेंगे तो आप अल्टर कर सकते हैं। अल्टर माने उसमें कुछ चेंज करना हो, बनी हुई कंपनी में कुछ चेंज करना हो या बने हुए लेजर्स में कुछ चेंज करना हो तो आप यहां से कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एच प्रेस करेंगे तो आप कहां आ जाएंगे, फिर वापस से वही लिस्ट ऑफ मास्टर्स, लेकिन एच प्रेस करने से चार्ट ऑफ अकाउंट में आप आते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट में आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल लेजर्स वगैरह को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है सो इनएक्टिव, तो आप कीबोर्ड से चले जाइए सो इनएक्टिव पर एंटर प्रेस कर दीजिए। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहां पर देखिए नीचे कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर भी दिखने लगा, और भी चीजें इसमें कर सकते हैं। फिलहाल बाहर आते हैं इससे। यहां पर आने के बाद आपको डे बुक में जाना है, तो केवल के प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है, केवल के प्रेस कर दीजिए, आप आ जाएंगे डेबुक में। जो भी एंट्रीज है वो यहां से देख सकते हैं। बैंकिंग में जाना है तो केवल एन प्रेस करना है। आ रही बात समझ में। इसके बाद अगर आप बैलेंस शीट देखना चाहते हैं तो केवल बी प्रेस कर दीजिए। बी प्रेस कर देने से आप बैलेंस शीट में आ जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना है तो यहां पी प्रेस कर दीजिए, ठीक है। इसका यही मतलब होता है। स्टॉक समरी में जाना है, एस प्रेस कर दीजिए, ठीक है। फिर यहां से रेशियो एनालिसिस में जाना है, आर प्रेस कर दीजिए, तो रेशियो एनालिसिस में आ जाएंगे। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाना है तो डी प्रेस कर दीजिए, और अगर आप क्विट होना चाहते हैं तो केवल क्यू प्रेस कर दीजिए और एंटर कर दीजिए, क्विट हो जाएंगे। आगे बात समझ में ना।